बोलिए किरण मेघानी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इडली से बड़ा बनाने के लिए लाई, जो फटाफट बन जाएगा और इडली खा खा के आप लोग बोर हो गए होंगे, तो एकदम नया आइटम लाई हूँ आपके लिए, जिसके लिए मैंने ली है 4 इडली, आधा कटोरी बेसन और 2 छोटे मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं, नमक मिर्च है और थोड़ी सी मैं सोडा डालूंगी इसके अंदर, और चटनी है मेरे पास नारियल की और टोमेटो सॉस है। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है इसके अंदर चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, हरी मिर्च और हरा धनिया। सबसे पहले हम तेल गरम करने रखेंगे। आलू के अंदर हम लोग आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, और यही मसाले सारे हम बेसन के अंदर भी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं, हींग से काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है, और 1 चुटकी सोडा बेसन के अंदर। और अब मैं इडली को काट लूंगी। इडली को बीच में से काट लेना है ऐसे, आप इसके अंदर चाहे तो स्टफ इडली भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का स्टार्टर है जो कंप्लीट आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इडलियों को काट लिया है, आलू को मैश कर लूँगी, इसके अंदर आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ऐसे इडली के अंदर आलू भर लेंगे और अच्छे से इसको पैक कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको पैक कर देना है। वैसे तो बेसन के घोल में जाके पैक हो जाएगा, लेकिन मसाला निकलना नहीं चाहिए। 2 छोटे आलू लिए हैं मैंने बॉयल, ये 4 इडलियां पैक हो गई। अब मैं बेसन का ये इडली स्टफ कर लिए, मैं बेसन के अंदर 2 चम्मच गरम तेल डाल रही हूँ, इससे क्या होता है इडली काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगी आपकी। और पानी से घोल तैयार कर रही हूँ, अच्छे से घोल तैयार करना है, हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर आप चाहें तो सूजी का घोल भी ले सकते हैं। पर मैंने क्या सूजी की इडली ली है तो मैंने इसलिए बेसन का घोल लिया है। अगर आपकी चावल दाल की इडली है तो आप इसके अंदर सूजी का बैटर भी ले सकते हैं, सेम बैटर वैसे ही बनेगा। मैं इडली लेती हूँ इसके अंदर अच्छे से कोट करके, इसको तेल में डाल देती हूँ। ऐसे करके मैं 4 इडलियाँ जो स्टफ की हैं मैंने वो फ्राई कर लूँगी। पहले सिम पे रखा है मैंने, बाद में इसको तेज पे करूँगी। अब मैं गैस तेज कर रही हूँ। ये देखिए इडली बड़ा आपका फ्राई हो चुका है। 2 बड़े मैंने पूरे फ्राई कर लिए, 2 बड़े मैंने कच्चे निकाल दिए ताकि जब कोई खाएगा तब मैं उसको फ्राई कर लूँगी। इसको आप डबल फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी सर्विंग बताती हूँ। पिज़्ज़ा कटर से इसकी बीच में से कटिंग करेंगे, 4 पीस करेंगे ऐसे, ऊपर से चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, धनिया पत्ती, थोड़ी सी नारियल की चटनी, थोड़ी सी टोमेटो सॉस। ये आपका इडली बड़ा रेडी है। इस टिप्स इडली बड़ा के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, इसको आप कच्चा भी निकाल कर रख सकते हैं, जब आपको खाना इसको दोबारा फ्राई करें और इसको गरम गरम किसी भी चटनी सॉस के साथ इसको सर्व करें। इसको आप चाहे तो बड़ा पाव की ब्रेड के अंदर, जो पाव ब्रेड आती है उसके अंदर भी लगा कर सर्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही खाएँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स एवरीवन।